हे दोस्तों, हमारे यूनिटेक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी आती है उसे भी दबाना ना भूलें। हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिटेक पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमआई की एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के सेट टॉप बॉक्स, टीवी या फिर ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं बिना रिमोट के। दोस्तों, ये फीचर आपको एमआई के फ़ोन में ही मिलता है। दोस्तों, कौन सा है वो एप्लीकेशन उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करना है पूरी सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना मत भूलना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है एमआई रिमोट। तो दोस्तों, सिंपली ये एप्लीकेशन बस आपको एमआई के ही फ़ोन में मिलेगा। अगर आपके पास दूसरा कोई फ़ोन है तो और उसमें आप डाउनलोड भी कर लेते हैं एप्लीकेशन तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि उसके लिए आपका फ़ोन में आईआर ब्लास्टर लगता है जो सिर्फ एमआई के फ़ोन में ही मिलता है। और अगर किसी फ़ोन में मिलता है लेकिन बहुत ही कम रेयरली देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये इस ऐप का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सिंपली इस ऐप को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जब आप नया ओपन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही एक मेरे पास घर में वीडियो कॉन का सेटअप बॉक्स है तो उसका रिमोट मैंने ऑलरेडी इसमें फिट करके रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे आप कोई भी टीवी या फिर सेट टॉप बॉक्स या फिर एसी का रिमोट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसमें और यूज़ कर सकते हो। सिंपली ऊपर आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एमआई टीवी बॉक्स, टीवी सेट टॉप बॉक्स, एसी फैन, स्मार्ट बॉक्स, एसी रिसीवर, डीवीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा, इन सभी के रिमोट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टीवी है तो आपको बस टीवी के आइकॉन पर क्लिक करना है तो आपको आपके पास बहुत सारे टीवी के ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली अगर आपके पास सोनी का टीवी है तो सोनी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये पॉइंट द रिमोट ऐसा कुछ लिख के आएगा, द पॉइंट द रिमोट एट द टीवी एंड टैप द बटन मेक टीवी रिस्पॉन्ड। अगर ये दोस्तों आपको सिंपली अगर आपके पास कौन सा भी टीवी है, मैं सोनी का एग्जांपल दे रहा, अगर आपके पास कौन सा भी टीवी है तो सिंपली आपको टीवी के तरफ अपने मोबाइल को करना है और ये बटन दबा देना है पावर। तो अगर दोस्तों अगर आपका टीवी अगर ऑफ है सॉरी ऑफ है तो ऑन हो जाता है, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाता है। तो अगर यस कर देना, अगर नहीं होता है तो नो कर देना। तो और एक बार आपको वो ट्राई करने का बोला, सिंपली फिर से पावर बटन पे आपको क्लिक करने कर देना। अगर टीवी आपका ऑफ हो जाता है तो फिर तो ठीक है, आपको यस क्रिएट कर देना है। अगर नहीं होता है तो नो पे आपको क्रिएट करना है। सिंपली और एक बार अगर नहीं होता है आपका टीवी ऑफ तो और एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, अगर इस बार होता है तो आपको यस कर देना है। तो ये देखिए आपका रिमोट हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया। अगर आपका टीवी ऑन ऑफ होता है तो सिंपली उस पर आपको पैर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो आपको ऐसा रिमोट आ जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपके जो भी टीवी सेटअप रहेगा, जिस जैसा आपके टीवी का रिमोट रहेगा उसके जैसा ही। तो सिंपली बैक आता हूँ, और अगर आपके पास सेटअप बॉक्स है कोई भी डिश टीवी, वीडियोकॉन, टाटा स्काई, एयरटेल, उस और आपके पास केबल भी होता है तो केबल का भी आपको रिमोट इस पे मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डेन, डीजी डिजिटल, बहुत सारे हाथवे, फास्टवे और बहुत सारे केबल नेटवर्क का भी इसमें रिमोट आपको मिल जाता है। अगर आपके पास समझो एयरटेल का डिश है तो सिंपली आपको वही करना है, आपका जो सेटअप बॉक्स है उसकी तरफ आपने मोबाइल को आपको लेके जाना है, मोबाइल को करना है। तो सिंपली ऑन ऑफ आपको यह पावर बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ब्लू वाला बटन दिख रहा है उस पर। अगर आपका सेटअप बॉक्स ऑफ हो जाता है तो आपको यस कर देना है, तो यस करेंगे तो आपको सेम ये देखिए पेयर करना है रिमोट को। तो ऐसा इंटरफेस आएगा अपने रिमोट जैसा। यहाँ पे देख सकते हैं चैनल आगे पीछे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास एसी है तो सेम एसी का भी आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों सेम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एसी का रिमोट आपको मालूम मालूम ही होंगे, अगर आपके पास एसी है तो सेम वैसे ही टेक्निक अपनाई है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास वीडियोकॉन का सेटअप बॉक्स है तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसा रिमोट आता है तो यहाँ पे आप मैं मुझे नंबर का जहाँ से आप जो भी नंबर है वो आप क्लिक करेंगे चैनल के, तो यहाँ से चैनल चेंज हो जाएगा। और यहाँ से आप
चैनल आगे पीछे ढकेल सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कम नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं जो अभी आपके रिमोट पे होंगे, येलो ग्रीन रेड। ये मेरे आगे, अरे आपके पास वीडियोकॉन का है सेटअप बॉक्स तो आपको समझ में आएगा। तो ये मेरे बटन्स है, और यहाँ पे बैक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ मेनू पर मेनू का, और यहाँ से आप अपने सेटअप बॉक्स को बंद चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी यहाँ पे आपको लाइव टीवी अगर आपके घर पे है तो यहाँ पे आप उस पे चैनल ये देख सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स अभी एमआई ने ऑपरेट मतलब ला दिए अपने इस एमआई एप्लीकेशन में। तो ये आपको माय अकाउंट मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी नॉर्मल सेटिंग होती है। तो ये लाइव टीवी का ऑप्शन अगर आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन वाली टीवी है तो उस पर आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, या फिर आपको यूज़ करना नहीं आता, या फिर रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये आइकॉन क्रिएट हो गए हैं रिमोट के। तो दोस्तों अगर कुछ भी आपके मन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।